Hello friends and fans, I hope you are all fine. This is my first ever guitar tutorial. मुझे बहुत सारे messages receive हुए और comments पे आप लोगों ने mention किया कि kindly please guitar tutorial बना दें, guitar tutorial बना दें. तो इस वजह से आज मैं first guitar tutorial बनाने जा रहा हूँ. और सबसे ज़्यादा मुझे views मन भरिया गाने पे मिले हैं, आप लोगों की मोहब्बत नज़र आती है उसमें. तो इस वजह से पहला सॉन्ग भी मैं मन भरिया के कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे उसके मैसेज रिसीव हुए हैं. तो मैं गिटारिस्ट तो नहीं हूँ, मैं वोकलिस्ट हूँ, लेकिन ये गिटार ट्यूटोरियल उन बिगिनर्स के लिए है जो मुझसे कुछ ना जितना मुझे आता है मैं उसको शेयर करूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे सीख सकें. और मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप मुझसे कुछ सीख पाएंगे. तो सबसे पहले हम गिटार कॉर्ड्स की बात करें इस गाने की. तो कॉर्ड्स जो हैं वो इसकी डी मेजर, बी माइनर, जी मेजर, ए मेजर और ई माइनर. और ये हो गए इसके गिटार कॉर्ड्स. इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न की. इसका स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो होगा डाउन अप 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 डाउन. ये है इसका स्ट्रमिंग पैटर्न. तो इसको आप स्लोली पहले अपने जहन में अच्छी तरह बिठाएं कि इसका स्ट्रमिंग पैटर्न कैसा है, और उसके बाद फिर आप उसको कोशिश करें गिटार पर प्ले करने की. और मेरा एक पर्सनल एक तरीका एक्सपीरियंस भी, और मैं स्ट्रमिंग पैटर्न अगर मुझे कभी नहीं आता और कभी गिटार आपके पास नहीं है और आप सोच रहे स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे मैं इसको सोचूं या बनाऊं, तो आप दोनों हाथ आपके पास हैं और ये जो आपके नाखून हैं अगर आप इनको आपस में टकराएंगे तो ये एक साउंड क्रिएट करेंगे, ठीक है. तो लेकिन आपने कोशिश करनी है बहुत ज़ोर से ना आप इसको टकराएं, कहीं आपके नेल्स डैमेज ना हो जाएं. तो आप जैसे आप सुन सकते हैं, इसको सुने आप ज़रा. तो इस तरह आप जब इसको कोशिश करेंगे इस स्ट्रमिंग पैटर्न बनाने की हाथ से, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथ जो हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे उसी तरह चलने पे कि डाउन अप डाउन अप डाउन. तो फिर जब आप प्लेक्ट्रम को जो है इस्तेमाल करेंगे गिटार पे, अब जब गिटार पे स्ट्रमिंग पैटर्न बजाने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि आपके हाथ सिंक्रोनाइज हो चुके होंगे. और ये ख़ासतौर पर जब है जब आपके पास गिटार ना भी हो, तो आपको जो भी तरीका बेहतर लगे, आप गिटार पर डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, गिटार पर डायरेक्ट प्रैक्टिस करें. लेकिन ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ. तो हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें, जो स्टार्ट इसका है, तो स्टार्ट इसका ये है कि आपने डी मेजर पकड़नी है, बट ये फिंगर जो है आपने ओपन रखनी है, और ये जो फिंगर जो पिंकी फिंगर है आपने ये भी ओपन रखनी है. और उसके बाद मैं इसको स्लो प्ले करूँगा ताकि आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकें, ताकि आप इजीली इस पर प्रैक्टिस कर सकें. तो down up 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 down up. तो इसी को अगर आप स्ट्रमिंग का टेम्पो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो ये इस तरह से साउंड करेगा. इसी तरह इसी स्ट्रमिंग में इसी टेम्पो में आप जो है आगे से फिर गाना शुरू करेंगे, और फिर गाना स्टार्ट होगा बी माइनर से जी मेजर, और फिर दोबारा हम बी माइनर पे आएंगे और ए मेजर. तो अगर मैं इसी टेम्पो, मैं कोशिश करूँगा कि पहले स्लो टेम्पो में गाऊँ और फिर मैं उसके बाद फौरन ही अगले फिर फौरन ही जो है ना दूसरे वर्स में मैं इसका टेम्पो तेज़ कर दूँगा ताकि आप जो है वो सुन सकें फ़र्क. Thank you.
वे मैं तू तेरा मन परया मन परया बदल गए ओ सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा वे मैं तू तेरा मन परया मन परया बदल गए ओ सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। तो इसी तरह फिर अब अगले वर्ष पे आएंगे तो हम गल गल ते शक कर दे एतवार जरा भी नहीं हुण तेरी आँखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। टेंपो अंग्रेज के साथ गल गल ते शक कर दे एतवार जरा भी नहीं हुण तेरी आँखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तेनों मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यार। जिसका पहला अंतरा है तो वो डी मेजर से ही शुरू होगा तो हम इसको स्ट्रमिंग पैटर्न तेज वही टेम्पो से ही हम जाएंगे और डायरेक्ट अंतरे पे आएंगे ठीक है डी मेजर। वे मैं थू तेरा मन परया मन परया बदल गए ओ सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठा प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठा तू वक्त नहीं देंदा मैनू अजकल दो पल दा तेनू पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा बीमार जानी लोका के बनना विचारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरियां तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन परया। सो गाइस आई होप आप कुछ सीख सकेंगे मेरे ट्यूटोरियल से। अगर आप लोगों को पसंद आया ये ट्यूटोरियल तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट्स एंड डू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन क्योंकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले रिसीव होगी ताकि आप लोग सुन सकें। और काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि नेक्स्ट सॉन्ग आप कौन सा ट्यूटोरियल सुनना चाहते हैं अगर आपको पसंद आएगा। अगर कमेंट्स में मुझे नज़र आया और आप लोगों के लाइक्स ने बताया आप लोगों के प्यार ने बताया कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो फिर मैं इस पैटर्न को लेके चलूंगा आगे ट्यूटोरियल बनाऊंगा और वरना जो है वो कवर्स तो मैं करता ही हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट टिल नेक्स्ट टाइम।